वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, अपन इंटीगरल इक्वेशन एंड इंटीगरल ट्रांसफॉर्म एमएससी में फाइनल ईयर के लिए पढ़ रहे हैं। यूनिट सेकंड हमने कंप्लीट कर ली है, यूनिट थर्ड जो है उसकी शुरुआत कर चुके हैं। क्लास फर्स्ट मैंने आपको करवा दी है, आज अपन अपनी जो है क्लास सेकेंड होने वाली है। आज अपन एक नया एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2014 में पूछा गया है, 2014 में आपसे पूछा गया है। पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी मेरे आपको ये सजेशन रहेगा कि आप अपने हाथ से अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको जल्दी लर्न होगी सारी चीज़ें, ठीक है। किसी चीज़ को सीखना है तो उसको लिख लो, किसी भी चीज़ को सीखना है तो उसको लिख लो, और अगर कोई चीज़ याद नहीं होती है तो उसको लिख लो, वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है। ऐसा मेरा मानना है, मेरा ही नहीं ऐसा और भी लोगों का मानना है जो हमारे पुराने इतिहासकार हुए हैं या फिर जो भी गणितज्ञ हुए हैं, है ना, तो उन्होंने ऐसा ही किया है। कोई चीज़ अगर लर्न नहीं होती है तो उसको लिख लो, जितनी बार लिखा जाए लिख लो। बाकी मेरा तो ये विश्वास है, अगर आप किसी चीज़ को 15 बार लिख लेते हो ना तो आपको उसकी लाइन टू लाइन याद हो जाती है, पर वो डिपेंड करता है कि आप लिखते टाइम कितना उस पर फोकस रखते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा सवाल जो है वो कुछ इस प्रकार से है। कहा गया है कि फाइंड द एचटी, एचटी का मतलब यहाँ पर हैंकल ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स टॉकिंग एक्स जे वन पी एक्स, यानी कि आपको लिमिट्स दे दी गई हैं एक्स जे वन पी एक्स के लिए एज द कर्नल ऑफ, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एचटी की बात की, हैंकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, तो हैंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को यहाँ पे यूज करते हैं। By using HT definition, ठीक है, मेरे वर्ड्स पर भी ध्यान देना, लिखने में थोड़ी एरर हो सकती है पर वर्ड्स पर जरूर जाना। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हैंकल ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है। एच न्यू फंक्शन ऑफ एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू जीरो से इंफानाइट एक्स जे न्यू पी एक्स एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ न्यू एक्स एफ न्यू पी फंक्शन ऑफ पी, ठीक है। तो ये होती है हमारी हैंकल ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशंस। तो यहाँ पर जो एफ एक्स है वो क्या है, लेट गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स बाई एक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये दे रखा है। पुट करते हैं न्यू की वैल्यू क्या है, टॉकिंग जे वन इक्वल टू जे वन है तो मतलब न्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर वन है तो वन। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन ए एक्स अपॉन एक्स रेस्पेक्ट टू पी इक्वल टू जीरो से इंफानाइट, ये इंटीग्रल समाकलन का चिन्ह है, ठीक है, एक्स जे वन पी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन ए एक्स अपॉन एक्स एंड डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स से एक्स कटेगा, हमारे पास क्या बचा, जीरो से इंफानाइट जे वन पी एक्स साइन ए एक्स डी एक्स, ठीक है। साइन ए एक्स डी एक्स जो है इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, माइनस आई पी जीरो से इंफानाइट e की पावर माइनस आयोटा ए एक्स जे वन पी एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं? अब हम क्या जानते हैं, हम एक चीज़ जानते हैं, हमारा जो फार्मूला है, जब मैंने आपको 5 फार्मूले बताए थे उसमें से हमारा जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो वो फार्मूला कौन सा, हमारा फार्मूला नंबर थर्ड जो है वो यहाँ पर अपन काम में लेंगे। सिंस वी नो दैट अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला सेकंड लगेगा, थर्ड लगेगा, फर्स्ट लगेगा, कौन सा लगेगा, तो ये डिपेंड करता है इस सिचुएशन के ऊपर। यहाँ पर जो आपको सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जीरो से इंफानाइट ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स जे वन पी एक्स डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस ए अपॉन पी, ये हमारा फार्मूला है। ये मैं सोचना कि ये कहाँ से आया, ये हमारा फार्मूला है, हमने इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फार्मूला है इस फार्मूले हम क्या करेंगे, इसका जो है ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएशन राइट टू ए, तो क्या होगा,
इंटीग्रेशन जीरो से इन्फानाइट ई की पावर माइनस ए एक्स अपॉन एक्स जे वन पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई बाई डी ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट माइनस ए अपॉन पी। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वन अपॉन पी माइनस वन बाई टू टू ए अपॉन पी के रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन आप कर लोगे आई होप सो। यहाँ टू से टू कटेगा, ये टू जो है ऊपर है, टू से टू कटेगा तो हमारे पास बचेगा वन अपॉन पी माइनस ए अपॉन पी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, और यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जीरो से इन्फानाइट ई की पावर माइनस ए एक्स जे वन पी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ई की पावर माइनस ए एक्स जे वन पी एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है हमारी यहाँ पर रखेंगे, इसको नाम दे दिया मैंने को इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ पुटिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट, देन एच वन साइन ए एक्स अपॉन एक्स रेस्पेक्ट टू पी इक्वल टू माइनस आई पी वन अपॉन पी माइनस ए अपॉन पी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू रखी है, कुछ अलग नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंडीशन होती है प्यारे बच्चों कि अगर इफ पी ग्रेटर देन जीरो, अगर पी ग्रेटर देन जीरो होगा देन क्या होगा, एच वन शाइन ए एक्स अपॉन एक्स रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू ए अपॉन पी रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, पहली कंडीशन ये। ठीक है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन नंबर सेकंड क्या हो सकती है, इफ पी जो है वो लेस देन तो हो ए से और पी की जो वैल्यू है वो बड़ी हो जीरो से, उस कंडीशंस में क्या होगा, एच वन साइन ए एक्स अपॉन एक्स रेस्पेक्ट टू पी इक्वल टू जीरो होगा सिंपली। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर इस सवाल में कोई दिक्कत आपको आ रही है, कोई दिक्कत आपको फेस हो रही है तो आप क्या करेंगे, कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा वापस से। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और करते हैं। पहले उस एग्जांपल को अच्छे से सोल्व कीजिए, इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, उसके बाद सेम टू सेम यही प्रोसेस जो है अपन नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के लिए करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो क्या है, कॉस एक्स के लिए है यहाँ पर। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री वो क्या है, फाइंड द हेंकल ट्रांसफॉर्म कोस ए एक्स अपॉन एक्स टॉकिंग, कंडीशंस क्या है, एक्स जे जीरो पी एक्स, ये कंडीशंस हमारी। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस बाय यूजिंग हेंकल ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन। ठीक है, क्या होती है, एच न्यू फंक्शन ऑफ एफ एक्स रेस्पेक्ट टू पी इक्वल टू जीरो से इंफानाइट एक्स जे न्यू पी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा हेंकल ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन होता है, फार्मूला होता है। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस ए एक्स अपॉन एक्स है, पुट कर देते हैं, और न्यू की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो एच जीरो
कोस ए एक्स अपॉन एक्स रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू जीरो से इंफानाइट एक्स जे जीरो पी एक्स कोस ए एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स ब्रेक होगा तो हमारे पास बचेगा जीरो से इंफानाइट कोस ए एक्स जे जीरो पी एक्स डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो रियल पार्ट होगा इस क्वेश्चन में, इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, जीरो से इंफानाइट ई की पावर आयोटा ए एक्स जे जीरो पी एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो निकालेंगे। यहाँ पर जे जीरो फंक्शन आ रहा है, ई की पावर ए एक्स आ रहा है, तो अपना जो फार्मूला है उसको यहाँ पर यूज करेंगे। सिंस फार्मूला क्या है अपना, जीरो से इंफानाइट ई की पावर ए एक्स जे जीरो पी एक्स डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर की पावर माइनस एक बटा दो। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, फार्मूला नंबर वन। इसमें क्या करेंगे, इस फार्मूले के साथ हमें क्या छेड़खानी करनी है, इसका हमें करना है डिफ्रेंशिएशन रेस्पेक्ट टू ए, देन हमें क्या मिलेगा, जीरो से इंफानाइट ई की पावर माइनस ए एक्स जे जीरो पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी ए वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर का रूट। कुछ अलग तो लिखा है, सेम ही लिखा है, इसी को लिखा है मैंने, ये पावर में था माइनस का तो नीचे ले आया। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो होगा हाफ ऑफ टू ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। टू से टू ब्रेक होगा, अल्टीमेट जो है वो हमारे पास क्या बचेगा, ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट बचेगा रियल पार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो से इंफानाइट ई की पावर माइनस ए एक्स जे जीरो पी एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। नाउ द वैल्यू ऑफ पुटिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट जीरो से इंटीग्रेशन, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे जे जीरो कोस ए एक्स अपॉन एक्स रेस्पेक्ट टू पी इज इक्वल टू ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, यहां पर हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ पी इज ग्रेटर देन ए, देन हमें क्या मिलेगा, ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट मिलेगा। दूसरी कंडीशंस क्या होगी, कंडीशन नंबर दो, इफ पी ग्रेटर देन ए एंड लेस ग्रेटर देन जीरो, देन हमें क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पर ये फंक्शन मिलने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप सो कि आपको दोनों एग्जांपल जो हैं वो समझ आए होंगे। एग्जांपल टू भी से दोनों ही एग्जांपल जो हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आपको बता दें कि पीछे वाला 2015 में पूछा गया था और ये कोस एक्स वाला जो है ये 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये एग्जांपल टू भी से दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ता हूं कि आपको कुछ समझ ना आए, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आपके कमेंट बहुत ही कम आते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ आ रही हैं। ठीक है पर बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।